लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत एक महान देश है और सदियों से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसी गूंज के सहारे दूर दराज मुल्कों से लोग आते रहे और बसते रहे, मगर वतन परस्त हिंदुस्तानियों ने हमेशा यकता होकर खतरों का सामना करते हुए जंगें लड़ी। भारत को आजाद रखने की कोशिश में जम्हूरियत की मजबूत चादर ओढ़ाए। भारत को आजाद तो हम कर लिए रात में, मगर ये सफर न खत्म हुआ है और न ही होगा, क्योंकि आजादी एक लम्हा नहीं, एक सिलसिला है। जब तक मतलबी खुदगर्ज गद्दार लोग अपने जाती फायदे और कुर्सियों के लिए बदलते वक्त के साथ रूप बदल बदल कर दिन के उजाले में सामने आते रहेंगे, वतन परस्त हिंदुस्तानी जंग लौते रहेंगे भगवान की दया से और बंदूक की गोलियों से। तब तक जब तक कि सही मानों में जम्हूरियत और खुशहाली की मंजिल पर न पहुंच जाएं। इसी जंग की एक कड़ी का सिलसिला है गॉड एंड गन। डरे, पार्टी अध्यक्ष का फोन। जी सर, नमस्कार, मैं सत्या सिंह मिनिस्टर। पार्टी हाई कमांड ने यह फैसला किया है कि तुम्हें अभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो फिर कब बनना है सर? आगे गौर किया जाएगा। आगे कब गौर किया जाएगा सर? स्टेट में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी की इमेज खराब होती जा रही है, और मेरे साथ आधे से ज्यादा मिनिस्टर और एमएलएस हैं, और मैं। तुम उन सबको साथ लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री राठौर जी को अपना समर्थन दो। मगर सर, ये स्टैंप लाइब्रेरी और टेक्स्ट बुक का कलमदान मुझे क्यों दिया गया है? स्कूलों की कमी है क्या जो मैं विधानसभा पढ़ने जाऊँ? शराब और जंगल का कलमदान चाहिए मुझे। आगे गौर किया जाएगा सर। मेरा बेटा सुंदर सिंह विरोधी दल के हाथी जैसे नेता को हराकर एमएलए बन चुका है। सारे लीडरों के लड़के मिनिस्टर बन चुके हैं। मेरा लड़का कब मिनिस्टर बनेगा सर? आगे गौर किया जाएगा। तो फिर मैं भी आगे गौर करूंगा। हाई कमान का फैसला ही नहीं, मेरा हुक्म भी है, समझे? सर, आपके हुक्म और हाई कमान के फैसले से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुख्यमंत्री जी को मैं पूरा पूरा समर्थन दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। शुभ रात्रि। मान लिया उन्होंने? नहीं, राजनीति क्या होती है मैं उन्हें दिखाऊंगा। जाइए और मेरा इंतजार मत कीजिए।
उठने की हिम्मत कीजिए अब्बाजान। बेटा अखबार को लेकर शंकर भाई के घर चली जाओ। आप ही चलिए अब्बाजान। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो वरना तुम भी मर जाओगी मेरे साथ। सत्य सिंह को सीएम बनना है, इसलिए जितने लोग मरे उतना ही अच्छा है। मैं समझ गया। पीछे अवतार से सीपी आ रहा है, आप फौरन निकल जाइए। चलो गोली टखनों से नीचे मारी जाए, ध्यान रहे एक व्यक्ति न मरे। मैंने ऐसा ही हुक्म दिया सर। और सुनो पहले लाठी और टियर गैस चलाओ। आपने वापस अगर अच्छा नहीं किया मैं विजय को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ जी। काश विजय मेरी आंखों के सामने होता तो मैं उसे जी भर के देख तो लेती। विजय सीमा, माँ, बेटा, माँ, ये, माँ, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका माँ। इसमें तेरा क्या कसूर है बेटा? हर कोई अपनी जिंदगी जीता है, अपनी मौत मरता है। भैया, सीमा, माँ ये कैसा राज है बेटा? ये कौन भेड़िए है जो इंसानों में आ घुसे हैं? इन्हें समाज से निकाल फेंक विजय। हाँ अकबर माजी। बेटा मेरे विजय का हाथ कभी मत छोड़ना। इंस्पेक्टर दामोदर ने मारा है इन्हें। आ!
हेलो कंट्रोल, अवतार सिंह है। एक शख्स इसकी दाहिनी पिंडली पर गोली लगी है, मोटरसाइकिल पर फरार हुआ है। शहर के सारे रस्तों में नाकाबंदी कर दी जाए और सारे अस्पतालों को चेक किया जाए। ओवर।